नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, स्पीड में लेफ्ट राइट जजमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन चौड़ी रोड पे आसान हो जाता है, लेकिन सक्रिय गलियों में कैसे लेफ्ट राइट जजमेंट करेंगे, थोड़ा सा आज उसके ऊपर फोकस करेंगे, बात करेंगे। ड्राइव एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा कैसे आप जजमेंट ले सकते हैं। राइट और लेफ्ट साइड की टेप मार्किंग हमने करी थी, वो वीडियो का लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं सक्रिय गलियों में गाड़ी चलाने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गियर मैंने डाल दिया गाड़ी का। पहले देखिए, दो तीन चीज़ आपको पहले, अगर आप गलियों में चला रहे हैं तो स्पेशली, या फिर किसी भी रोड पे चला रहे हैं, देखो हर जगह आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आपके ORVM सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, बैक व्यू पूरा मिलना चाहिए, बस थोड़ा सा आपका गाड़ी का पोर्शन दिखना चाहिए, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट करिएगा अगर गलियों में अगर चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है तो कर सकते हैं आराम से, और ORVM भी सेट कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं। पहला गियर मैंने डाल दिया है और स्टेयरिंग मैंने राइट में काट दिया है। हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, हल्का सा मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और गाड़ी मेरी चल रही है 10 की स्पीड में। चलिए हैजार्ड लाइट को बंद कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी रोड पे खड़ी थी इसलिए मैंने जला रखी थी। राइट का इंडिकेटर देंगे और इस गली में हम लोग एंटर करेंगे। तो चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं आगे हमें सक्रिय गलियों में कैसे लेंगे। देखिए, अभी मेरी गाड़ी इन दो पॉइंट के बीच में चल रही है, अभी मेरी गाड़ी गड्ढे में जाएगी, ये वाला टायर मेरा जाएगा ही जाएगा, गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लेफ्ट और राइट जजमेंट की बात करेंगे गलियों में। जैसे ये गली है, ये तो काफ़ी चौड़ी गली है, लेकिन इसमें भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, लेफ्ट साइड का ये चल रहा है, ये जो टेप चल रही है इसके हिसाब से आप चला सकते हो गाड़ी। और अब ये गाड़ी आ रही है, देखो इसमें राइट का जजमेंट मैं बताता हूँ। राइट साइड की टेप यहाँ है, गाड़ी उधर है, तो आराम से निकल जाएगी। अब देखिए, लेफ्ट साइड में ये टेप निकल गई, आराम से निकल जाएगी बिल्कुल। सेकंड गियर मैंने लगा दिया है, अब देखिए, और हम सीधा चलेंगे और बात करेंगे। और थोड़ी पतली गली हो जाएंगी आगे, तो उसके ऊपर हम गाड़ी का जजमेंट की बात करेंगे। अब आप देखिए, मैं लेफ़्ट से दिखाता हूँ आपको, ये दीवार है, इस वाले पॉइंट से लेफ्ट में है, आराम से गाड़ी चल रही है, डिस्टेंस आप देख सकते हैं। आगे गाड़ी आ रही है तो उसको पास देंगे। देखिए, कभी भी ज़बरदस्ती गाड़ी मत घुसाइएगा, वो गाड़ी आ रही है उसको आराम से साइड दे दीजिए। स्टेयरिंग राइट में काटिए, निकालिए अपनी गाड़ी आराम से। ये होता है तरीका गाड़ी चला। आप देखिए, गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ब्रेकर है इसलिए मुझे धीरे करनी पड़ी है, नहीं तो मैं थोड़ी स्पीड में भी निकाल सकता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। सो अभी तो देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आगे थोड़ा सा आपको मिलेगा। चलिए, कीचड़ है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, और कोशिश करिए जहाँ पानी पड़ा हो और कोई पैदल चल रहा हो तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए। थोड़ा आराम से गाड़ी निकाल लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसको छींटे नहीं लगेंगी, वो आपको गाली नहीं देगा। चलिए, आप लेफ़्ट जजमेंट की यहाँ से बात करेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ से गाड़ी निकलेगी, नहीं निकलेगी, हल्का सा मुझे स्टेयरिंग राइट में काटना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी मेरी लग जाएगी। अब देखिए, ये क्रेट, ये सेल्टोस खड़ी है, लेफ्ट से काफ़ी स्पेस है, तो आराम से आप इस गाड़ी को निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ से राइट लेंगे। अब देखिए, ये गाड़ी खड़ी है, अब देखिए राइट का जजमेंट दिखाता हूँ। अब देखिए, गाड़ी आराम से निकलेगी राइट से, हल्का सा देखिए, जिस तरफ आपको लगे गाड़ी लगने वाली है उससे अपोजिट में हल्का स्टेयरिंग काट दीजिए और फिर गाड़ी को आगे बढ़ाइए। ये होती है ट्रिक,
अब यहाँ पे मुझे मुझे पता है सीधी निकालूंगा निकल जाएगी, आप देखो कितने डिस्टेंस से निकली है गाड़ी। और यहाँ पर देखिए अभी भी स्टेप से राइट साइड में है सेल्टोस, तो आराम से निकल जाएगी, बिल्कुल टच नहीं करेगी। और लेफ्ट साइड में देखिए, आप देखिए कितनी पास से गाड़ी निकली है, ये है जजमेंट। तो दोस्तों बस यही कुछ था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली बार कोशिश करेंगे थोड़ी और सक्रिय गलियों में चलें, ताकि आपको बेटर जजमेंट प्राप्त। और जो लोग कहते हैं हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, भाई हाथ पैर मत फुलाओ, अगर आपको क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर में कमांड नहीं है तो बिल्कुल सक्रिय गलियों में गाड़ी मत चलाओ। अगर आप गाड़ी चलाओगे शुरू में तो आपके हाथ पैर भी फूलेंगे और आपको प्रॉब्लम भी होगी, गाड़ी आपकी 100% कहीं ना कहीं टच करेगी। तो इसलिए सक्रिय गलियों में जब ही चलाएं, जब आपको स्टेयरिंग क्लच ब्रेक और गियर, तो चलो ठीक है दूसरा पॉइंट है गियर, तो आपको अगर आदत है और आपका स्मूथ है, ये सारी चीज़ें स्मूथली आप वर्क कर पा रहे हैं, चला पा रहे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं, तो ही आप सक्रिय गलियों में ट्राई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो से, अगली वीडियो में किसी में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।